हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर महिलाएं अपने पति के अत्याचार क्यों सहती हैं, क्या कारण है। देखिए, अब्यूसिव रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते में किसी एक पार्टनर के साथ गाली गलौज करना और उसका शोषण करना, क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं इस तरह के रिश्ते में रहने पर क्यों मजबूर हो जाती है। किसी भी रिश्ते की खूबसूरती तभी कायम रहती है जब उस रिश्ते में पति और पत्नी दोनों की तरफ से बराबर की इज्जत दी जाती है। अगर किसी महिला का पति उसके साथ गाली गलौज करता है और उसका शोषण करता है और फिर भी उनका रिश्ता कायम हो तो यकीनन वो रिश्ता मजबूरी पर चलता है और महिलाएं उस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर है। पर क्यों? कारण इसके पीछे कई हो सकते हैं। अब्यूजिव रिलेशनशिप एक कड़वी सच्चाई है जिसे आज के दौर में महिलाएं झेल रही हैं। आपने कई बार ऐसा जरूर सुना होगा कि अगर किसी महिला का पति उसे मारता है, उस पर अत्याचार करता है, तो वो उसका साथ क्यों रहती है, उसे छोड़ क्यों नहीं देती। हम उसका कारण बताने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है डर, और वो डर कई तरह के होते हैं। बहुत सारी जो स्त्रियां होती हैं अपने डर की वजह से वो रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाती है। ये डर ही होता है जो उन्हें अब्यूजिव रिलेशनशिप में बांधे रखता है। वो डर क्या होता है? इसमें अकेले रहने का डर होता है कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। उन्हें डर अपने पति से लगता है कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहां जाऊंगी। ये खास करके उन औरतों में ज्यादा डर रहता है जो काम नहीं करती हैं, जो पूरी तरह से मतलब हाउसवाइफ वाला जो रिश्ता है या हाउसवाइफ वाली जो जिंदगी है वो गुजारती हैं। मतलब आत्मनिर्भर ना होने पाने का डर शामिल होता है। कभी कभी उनका डर ये होता है कि यदि ये मुझे छोड़ के चले गए तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, या बच्चे को अपने साथ तो लेके नहीं चले जाएंगे, क्योंकि माँ अपने बच्चे से हमेशा पिता से ज़्यादा जुड़ी होती है, तो उन्हें अपने बच्चे खोने का डर होता है। तो वहाँ पे मजबूरी बस गाली गलौज वाले रिश्ते को अपना ज़िंदगी बना लेती है, वो उनके साथ रहने के लिए मजबूर हो जाती है। कुछ लोगों को समाज का खौफ होता है। समाज का खौफ, आज जो हमारा समाज है भारत में, यदि आपके पति ने आपको छोड़ दिया है, दूसरी जो शादी है वो होने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और समाज हमेशा ज्यादातर गलतियां जो होती हैं वो महिलाओं के ऊपर थोप देते हैं। तो महिलाओं को समाज में अपने साख का डर होता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और फिर भी ऐसी बातों से डरते हैं जो कि नहीं डरना चाहिए। आज लड़कियां निडर होती चली जा रही है। देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता चला जा रहा है लड़कियां निडर होती चली जा रही है। जब लड़कियों के पता चल जाता है कि वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं तो खौफ निकलता है, वो डर निकलता है, समाज की बातें निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज का जो डर है वो उन्हें भयभीत कर देता है और उस भय की वजह से वो अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाती है। और उसके बाद समाज के सवाल, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, गलती तुम्हारी थी, इस तरह की अनेक बातें आती हैं और ब्लेम अल्टीमेटली महिलाओं के ऊपर थोप दिया जाता है। और ये समाज आज तक न जाने कितनी जिंदगियों को खराब कर चुका है। उससे पहले ही महिलाओं को सतर्क हो जाना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा डर होता है वो ऐसा लगता है
कि वो ये सोचती हैं कि उनके साथ इस तरह की चीजें होना गलत नहीं है और ये सभी बातें सामान्य लगती हैं। क्यों देखिए महिलाएं जो हैं, जो स्त्रियां जो हैं, आज देखा जाए तो पिछले 100-150 सालों में हमेशा सताती हुई आई हैं, सताती इन द सेंस सतती हुई आई हैं, मर्द उन्हें हमेशा सताते हुए हैं और उन्हें वो चीज और रेगुलर जिंदगी का हिस्सा लगता है कि नहीं यार ये तो सब सामान्य बातें हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद है फाइनेंशियल क्राइसिस का डर, यदि आपका पति ने आपको छोड़ दिया, उसके बाद यदि आप हाउसवाइफ हैं खास करके, और हाउसवाइफ यदि नहीं भी हैं और आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, तो ये बहुत मायने रखती है कि वो आर्थिक जो परेशानी है वो आपके ऊपर नहीं आ पाए। ये महिलाएं ज़रूर सोचती हैं। कई महिलाएं मुख्य रूप से अपने पति पर ही निर्भर रहती है, जिसकी वजह से उन्हें यह डर रहता है कि अगर वो अपने पति से अलग हो गई तो उनका खर्चा कैसे उठाएगा, कौन उठाएगा। तो मुख्य कारण जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक होता है। और यदि महिला कमा भी रही है, काम कर भी रही है और यदि बच्चे भी हैं, तो भी एक अकेली औरत जो कमा रही है उससे कहीं ना कहीं घर चलाने में दिक्कत तो आएगी। तो प्रॉब्लम फाइनेंशियल भी है, जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं अपने पति के अत्याचार सह लेती। और वैसे भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इतना सहने के बाद तब कहीं मन में उबाल आता है और तब कहीं वो कन्फ्रंट करती है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी यदि महिला स्ट्रांग कर ले तो शायद मर्द उन्हें सताना बंद कर देंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।